गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका आज की ऑनलाइन मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम है। जैसा कि आप जानते हो कि समर वेकेशन तो हो गई हैं, लेकिन मैं चाहता था जो टॉपिक हमने दूसरा शुरू किया था मैथमेटिक्स का, रिलेशंस एंड फंक्शंस, इसमें कम से कम रिलेशंस को हमने पढ़ा था, इसको इसकी डोमेन, इसकी रेंज और इसकी कोर डोमेन के बारे में हमने पढ़ा था। तो उस पर कुछ टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन किए थे, तो मैं सोच रहा था आज इसकी जो एक्सरसाइज है उसको कम्प्लीट कर लेते हैं। अब कल के बाद आपको जब भी कोई क्वेरी या प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। वैसे मंडे का दिन हमारे साथ इंटरेक्शन का फिक्स है, तो चलिए आज ये लास्ट डे इसको कंक्लूड कर लेते हैं। लेट अस स्टार्ट। टॉपिक हमारा वही है, रिलेशंस एंड फंक्शंस, और ये जो एक्सरसाइज हमारी टेक्स्ट बुक की है 2.2, इसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इट इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट ए बी ए सेट ऑफ एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6, ए के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 6, एंड लेट आर बी ए रिलेशन ऑन ए। रिलेशन ऑन ए का मतलब होता है ए टू ए। ऑन ए का मीनिंग होता है सेट ए, लेफ्ट साइड में सेट ए है और राइट साइड में भी सेट ए है, यूजुअली होता है ए टू बी। यहाँ पर ऑन ए का मतलब है ए टू ए, लेफ्ट में भी ए है और राइट में भी ए है। डिफाइंड बाय ऑर्डर पेयर्स ए बी साइज दैट ए बी बिलोंग टू ए, क्योंकि ए बी लेफ्ट साइड में भी है और राइट साइड में ए टू ए, बी इज़ एग्जैक्टली डिजल बाई ए। तो इसमें जो जोड़ा है ये कह रहा है हमारी रिलेशन ऐसी है जिसमें जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट कौन सा है, बी इज़ एग्जैक्टली डिवाइड बाई ए। तो इस तरह की रिलेशन होनी चाहिए जिसमें जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट वाले से डिवाइड होना चाहिए। और ये दोनों कहाँ से लेंगे, लेफ्ट साइड में भी ए है और राइट साइड में भी ए है, बिकॉज द रिलेशन इज डिफाइंड ऑन ए। चलिए राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। एक तो रिलेशन लिखनी है हमने रोस्टर फॉर्म, जिसमें हमने क्या चेक करना है, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, और दूसरा है हमारा फाइंड डोमेन ऑफ ए आर, उसी रिलेशन की डोमेन ढूंढनी है, एंड ऑल्सो वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ रिलेशन आर। तो चलिए गिवन जो भी है पहले उसको लिखते हैं। सोल्यूशन, वी हैव सेट ए जिसके एलिमेंट्स दिए हैं 1, 2, 3, 4, 6, वो ऊपर दिया हुआ है। उसके बाद एंड रिलेशन आर डिफाइंड बाई सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी साइज दैट ए बी बिलोंग टू ए, क्योंकि लेफ्ट साइड में भी ए है राइट साइड में भी ए है, बिकॉज द रिलेशन इज डिफाइंड ऑन ए। अब हमने देखना है वो एलिमेंट्स देने हैं जिसमें बी इज एग्जैक्टली डिवाइड बाय ए। चलिए लेफ्ट साइड में भी ए है, तो लेफ्ट साइड में भी 1, 2, 3, 4, 6 है और राइट साइड में भी 1, 2, 3, 4, 6 है। तो जब दोनों साइड, अब लेफ्ट साइड से में भी 1, 2, 3, 4, 6 है और राइट साइड से भी 1, 2, 3, 4, 6 है। अब लेफ्ट साइड से 1 लिया तो राइट साइड से भी 1 लेंगे, क्यों, जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट से डिवाइड एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए। तो 1, 1 से डिवाइड होता है, ठीक। दूसरा एलिमेंट 1 है वो 1 से डिवाइड हो रहा है, ठीक। फिर 1 के साथ हम 2 भी ले सकते हैं, एक सेट से लेफ्ट वाले सेट ए से 1 और राइट वाले सेट ए से 2, क्योंकि यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 6 है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो सेट है ए टू ए रिलेशन जो है उसमें भी 1, 2, 3, 4, 6 है। तो लेफ्ट से 1 लिया और राइट से 1, क्योंकि दूसरे 1 को 1 डिवाइड कर सकता है। फिर 1 के साथ 2 लिया क्योंकि 2 को भी 1 डिवाइड कर सकता है। बी दूसरा एलिमेंट बी है, बी इज डिविजिबल बाय ए, दैट मीन्स दूसरा एलिमेंट पहले वाले से डिवाइड होना चाहिए। फिर 1 और 3 ले सकते हैं क्योंकि 3 को भी 1 डिवाइड करता है। 1 के साथ 4 को भी 1 डिवाइड कर सकता है, 1 सभी को डिवाइड करेगा। और लास्ट एलिमेंट हमारा 6 के को भी 1 डिवाइड कर सकता है। तो ये हो गए ऑर्डर पेयर्स। और इसके साथ आगे देखिए, अब 1 के साथ ले लिया हमने सभी, अब 2 के साथ लेंगे। 2 के साथ कौन सा एलिमेंट है जो 2 डिवाइड करेगा, 2 लेफ्ट साइड में ए से 2 लिया और राइट साइड में भी जो ए है उसके साथ भी 2, क्योंकि सेकंड एलिमेंट 2 को 2 डिवाइड कर लेगा। फिर लेफ्ट साइड से 2 और राइट साइड से 4, क्योंकि 4 जो सेकंड एलिमेंट है बी उसको डिवाइड करेगा ए। ये सेकंड जो होता है ये बी है, फर्स्ट जो होता है वो ए है। तो देखिए बी इज एग्जैक्टली डिवाइड बाई ए, 4 को भी 2 डिवाइड करता है, फिर 6 को भी 2 डिवाइड करता है। तो 2 का काम भी खत्म हो गया। अब हम 3 से चेक करेंगे, तो लेफ्ट साइड से 3 लेंगे और राइट साइड से भी 3, क्योंकि 3 को 3 डिवाइड करता है। अब लेफ्ट साइड से 3 लेंगे, राइट साइड से 6, क्योंकि 6 को भी 3 से डिवाइड करता है। चलिए 3 का काम भी खत्म हो गया। अब 4 का, 4 के साथ लेफ्ट साइड से 4 लेंगे ए से और राइट साइड में जो ए है उसमें से भी 4 लेंगे, क्योंकि 4 को 4 डिवाइड करता है। और अब 4 को एग्जैक्टली 6 को 4 डिवाइड नहीं करेगा, एग्जैक्टली नहीं करेगा, करेगा डिवाइड लेकिन एग्जैक्टली नहीं करेगा, यहाँ पे एग्जैक्टली डिवाइड होनी चाहिए। तो 4 के साथ 4 आया, तो 4 का काम भी खत्म। अब 6 के साथ कौन आएगा, लेफ्ट साइड से सेट ए से 6 लेंगे और राइट साइड से जो सेट ए है उससे भी 6 लेंगे,
तो सिक्स के साथ सिक्स, क्योंकि सिक्स को सिक्स ही डिवाइड करेगा। तो कौन कौन से एलिमेंट हैं जिसमें भी ए को डिवाइड करता है, वन वन, वन टू, वन थ्री, वन फोर, वन सिक्स, वन फिर वन सिक्स क्योंकि सिक्स को भी वन करता है, फिर टू टू क्योंकि टू को वन करता है, टू फोर क्योंकि फोर को टू डिवाइड करता है, टू सिक्स सिक्स को टू पूरा डिवाइड करेगा, थ्री थ्री क्योंकि थ्री को थ्री डिवाइड करेगा, थ्री सिक्स क्योंकि सिक्स को थ्री डिवाइड करेगा, फोर फोर क्योंकि फोर को फोर डिवाइड करेगा, फिर सिक्स सिक्स क्योंकि सिक्स को सिक्स डिवाइड कर लेगा। तो रिलेशन में वही एलिमेंट्स हैं जिसमें बी इज एग्जैक्टली डिवाइड बाई ए। तो इसी तरह से हमने रिलेशन बनानी थी। अब लेफ्ट साइड में क्या है, सेट ए। राइट साइड में क्या है, सेट ए। जो फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वो सेट ए से, जो सेकंड सेकंड है वो भी सेट ए से। तो फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वो डोमेन होता है, और जो सेकंड सेकंड होते हैं वो रेंज होता है। सो डोमेन ऑफ आर क्या होगा, तो फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट्स कौन से हैं सेट ए में, वन टू थ्री फोर फाइव फोर सिक्स, वन टू थ्री फोर सिक्स। ये लेफ्ट साइड में जो ए है वहाँ से डोमेन आ जाएगी, क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट्स डोमेन ऑफ आर। और सेकंड सेकंड एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो सेकंड एलिमेंट्स, सेकंड एलिमेंट्स किस में होते हैं, दूसरे साइड में। तो लेफ्ट साइड में भी ए है और राइट साइड में दूसरा साइड भी ए है, तो रेंज ऑफ आर भी है वो भी वन टू थ्री फोर सिक्स, क्योंकि लेफ्ट साइड भी ए है और राइट साइड भी ए है। और ए में कौन से एलिमेंट हैं, जो लेफ्ट फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वो लेफ्ट साइड में होते हैं, जो सेकंड होते हैं वो राइट साइड में होते हैं। तो डोमेन वाले कहाँ से होते हैं, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड ए में एलिमेंट्स कौन से हैं, वन टू थ्री फोर सिक्स, और राइट साइड में क्या है, वहाँ पर भी ए है, तो रेंज के एलिमेंट्स भी होंगे वन टू थ्री फोर सिक्स। सो दिस वॉज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन। राइट रिलेशन आर गिवन बाय ऑर्डर पेयर्स एक्स कामा एक्स क्यूब सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन टेन इन रोस्टर फॉर्म। तो हमने इस रिलेशन में वो नंबर डालने हैं जो प्राइम होने चाहिए और लेस देन टेन होने चाहिए। चलिए सोल्यूशन क्या है, वी हैव आर सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स एक्स कामा एक्स क्यूब सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन टेन। ये हमारी रिलेशन है। अब हमने कौन से नंबर डालने हैं, एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन टेन। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं जो टेन से कम हों, पहले हम प्राइम नंबर्स ढूंढेंगे। प्राइम नंबर्स लेस देन टेन आर, जो दस से कम वाले प्राइम नंबर्स कौन से हैं, पहला प्राइम नंबर टू है। प्राइम नंबर्स वही नंबर्स होते हैं जो वन से और अपने आप से डिवाइड हों, तो टू वन से भी डिवाइड होता है और अपने आप से भी, थ्री वन से भी डिवाइड होता है और अपने आप से भी, लेकिन फोर जो है वो वन से होता है, अपने आप से होता है और टू से भी होता है। इसलिए जिसके दो से ज़्यादा मल्टीपल हों उसको नहीं लेना। सो लेस देन टेन प्राइम नंबर्स कौन से आते हैं, टू आता है, थ्री आता है, फाइव आता है एंड सेवन आता है। जो नाइन है वो प्राइम नंबर नहीं है और लेस देन टेन, टेन से कम ही लेने थे। तो लास्ट वाला कौन सा आएगा, टू थ्री फाइव एंड सेवन, क्योंकि नाइन प्राइम नंबर नहीं है इसलिए उसको नहीं लेना है। तो अब बनाएंगे हम रिलेशन, दिस शोज आर इज इक्वल टू, पहला नंबर हम प्राइम नंबर लेंगे टू और टू का क्यूब, टू टू का क्यूब कामा, फिर दूसरा प्राइम नंबर क्या था, थ्री, थ्री और थ्री का क्यूब, तीसरा प्राइम नंबर कौन सा था, फाइव, फाइव और फाइव का क्यूब, चौथा प्राइम नंबर कौन सा था, सेवन और सेवन का क्यूब। तो ये हमारी रिलेशन बनेगी। तो रिलेशन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, टू और टू का क्यूब पहला प्राइम नंबर और उसका क्यूब, दूसरा प्राइम नंबर थ्री है और उसका क्यूब, तीसरा प्राइम नंबर फाइव और उसका क्यूब, चौथा प्राइम नंबर सेवन है और उसका क्यूब। तो रिलेशन क्या बनी, टू टू को थ्री वाली मल्टीप्लाई करो तो एट, थ्री थ्री को थ्री टाइम्स करो तो ट्वेंटी सेवन, फाइव और फाइव को थ्री टाइम, पाँच पंजे पच्चीस, बचे एक सौ पच्चीस, और सेवन को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करो थ्री फोर्टी थ्री। तो ये हमारी रिलेशन बनी। तो यही रिलेशन हमने ढूंढनी थी जिसमें प्राइम नंबर लेने थे लेस देन टेन। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट ए बी द सेट ऑफ एलिमेंट्स एक्स कमा वाई कमा जेड एंड बी बी द सेट ऑफ एलिमेंट्स वन एंड टू। तो फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो नंबर ऑफ रिलेशंस ढूंढने का एक फार्मूला होता है। चलिए पहले हम सोल्यूशन से लेते हैं, वो आगे आपको फार्मूला भी पता चल जाएगा, और इसको आपने हमेशा याद रखना है जुबानी। जिस तरह नंबर ऑफ सबसेट्स होता है टू रेज पावर एन, यहाँ नंबर ऑफ रिलेशंस होता है टू रेज पावर पी क्यू। चलिए वी हैव, हमारे पास सेट ए है जिसके एलिमेंट्स दिए हैं एक्स वाई जेड, एंड बी सेट दिया है जिसके एलिमेंट्स दिए हैं वन एंड टू। फाइंड नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, हमने ए से बी तक कितनी रिलेशंस बन सकती हैं वो हमने बतानी है। चलिए हेयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ए में कितने एलिमेंट्स हैं, वन टू और थ्री। तो जो ए के एलिमेंट्स हैं उसको हम पी कहते हैं। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं, वन टू थ्री, तो पी हमारा थ्री है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं, वन एंड टू। जो ए के एलिमेंट्स हैं उसको पी कहते हैं और जो बी के एलिमेंट्स हैं उसको क्यू। सो बी में कितने एलिमेंट्स हैं, वन एंड टू। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी क्यू कितना है, टू। अब फार्मूला ढूंढना क्या हमें, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो इसका फार्मूला है नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू टू का पावर पी क्यू। नंबर ऑफ रिलेशंस वी नो, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी सेट ए टू सेट बी इज इक्वल टू टू का पावर पी क्यू, विच इज इक्वल टू टू का पावर पी कितना था,
3 इंटू क्यों कितना था 2, सो 2 का पावर 3 इंटू 2, बी की जगह 3 है और क्यों की जगह 2 है, तो 2 का पावर 3 इंटू 2 कितना होगा 6, 2 को 6 बारी मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 2 ज़ा 64, तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्राम ए टू बी कितनी बनेंगी 64, जो ए के एलिमेंट्स थे वो हमारे पी थे, जो बी के एलिमेंट्स थे वो हमारे क्यों थे, और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्राम ए टू बी कितना होता है, फार्मूला क्या है, 2 का पावर पी इंटू क्यों, सो 2 का पावर पी था आपका 3, क्यों था 2, 3 इंटू 2 हो गया 6, 2 का पावर 6 हो गया, 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो आंसर इज 64, सो देर आर 64 रिलेशन फ्राम वी कैन मेक फ्राम सेट फ्राम द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू सेट बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, अगेन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड, तो जेड का मीनिंग होता है जेड टू जेड, जेड का मीनिंग होता है यहाँ पर भी जेड है और यहाँ पर भी जेड है, जिस तरह ऑन ए का मतलब होता है ए टू ए, यहाँ पर जेड का मीनिंग होता है ऑन जेड का मीनिंग होता है जेड टू जेड, डिफाइंड बाय आर इज सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स ए बी, ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए माइनस बी इज एन इंटीजर, और ये जो ए और बी हैं ये इंटीजर हैं, तो इस रिलेशन में हमने क्या ढूंढना है, फाइंड डोमिनेंट रेंज ऑफ आर, वी हैव आर इज सेट ऑफ, हमें दिया है आर सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स ए बी साइज दैट ए बिलोंग्स टू जेड, बी बिलोंग्स टू जेड एंड ए माइनस बी इज एन इंटीजर, तो a माइनस बी अगर इंटीजर है इट मीन्स a भी इंटीजर होगा b भी इंटीजर होगा, तो भी देखो दो चीज़ों को ऐड करो तो एडिशन और उनका जो रिज़ल्ट है अगर वो नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर ही आएगा, और सब्ट्रैक्शन करने से तो a और b जो हैं ये दोनों z को बिलोंग करते हैं, सो वी हैव रिलेशन r एज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स ए बी साइज दैट a बिलोंग्स टू z एंड b बिलोंग्स टू z, a भी z में है और b भी z में है एंड बोथ ए एंड बी जो हैं वो क्या हैं इंटीजर हैं, ए एंड बी जो हैं वो इंटीजर हैं, सो आर इज सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स ए बी साइज दैट ए बिलोंग्स टू जेड, बी बिलोंग्स टू जेड एंड ए एंड बी बोथ आर इंटीजर्स। अब डोमेन ऑफ आर क्या है, मैंने कहा ना जेड टू जेड है, तो ए बी जेड में है और बी भी जेड में है और ए बी क्या हैं इंटीजर्स, सो जो डोमेन होते हैं जो लेफ्ट रिलेशन है ऑन जेड, ऑन जेड मीन्स जेड टू जेड, जेड टू जेड, सेट टू जेड का मीनिंग होता है कि जो हमारी डोमेन होती है वो सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ जेड होता है पूरा जेड, और जो रेंज होती है वो पूरा राइट साइड वाला सेट, तो लेफ्ट साइड वाला सेट भी जेड है और राइट वाला भी जेड है, सो डोमेन ऑफ आर भी आपका जेड होगा और रेंज ऑफ आर भी आपका जेड होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में भी सेट जेड है तो फर्स्ट एलिमेंट जो होंगे वो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ आर भी आपकी जेड है, और जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं यानी कि राइट साइड वाला सेट वो भी जेड है तो रेंज ऑफ आर भी आपका जेड होगा, सो इसी के साथ आपका ये रिलेशन ख़त्म हुआ। अब छुट्टियों के बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, आपकी कोई भी क्वेरी हो कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन डिस्कस विद मी, आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं या किसी भी दिन आप मुझसे कोई भी क्वेरी हो, अपना होमवर्क कीजिए, जो कुछ भी आपने अच्छी तरह पढ़ा है जो कुछ भी पढ़ा है उसको अच्छी तरह रिवाइज़ कीजिए, इसके नोट्स बनाइए और एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।